चलिए आज मैं आपको अपने गुड़हल के पौधे दिखाती हूँ। पहला जो पौधा है ये देखिए रेड कलर का हाइब्रिड का पौधा है। इसमें दो फूल खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनका कलर बहुत ही प्यारा है और इसमें हर रोज़ ही फ्लावरिंग एक दो फूल खिलते रहते हैं। इसके हर ब्रांच पे कलियाँ बनी ही रहती हैं और ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता रहता है। और इधर जो ये मेरा फूल खिला हुआ है, इसके थोड़ी दिन पहले ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी और इसमें बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं। इसका फूल देखिए कितना प्यारा है और इसमें बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं। और इधर जो मेरा फ्लावर प्लांट है, इसमें भी देखिए कली बनी हुई है। ये भी हाइब्रिड है और ये मेरा एक हाइब्रिड पौधा है जो कि मैंने थोड़ा सा शेड में रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है और इसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। ये देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। और ये जो फूल खिला हुआ है ये एक दिन पुराना फूल है और आज भी देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। इसको दो दिन हो गए खिले हुए को और इसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं जो कि अब खिल जाएंगी। ये देखिए ये जो देसी गुड़हल है ये वाइट कलर का है ये मेरा, इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। देसी गुड़हल जो कि तेज़ धूप में भी चल जाता है और इसमें दो तीन शेड हैं मेरे पास और सभी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये लाइट पिंक है, देखिए ये भी कितना प्यारा लग रहा है। और ये भी देसी है, इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। ये देखिए ये दो यहाँ पे हैं, ये भी कल को खिल जाएंगी। ये देखिए ये जो फूल है ये गुच्छेदार है और ये मेरा देसी गुड़हल लाल रंग का, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है।